असलकुम व्यूअर्स मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबकी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए तो आज हम एक नई रेसिपी तैयार करने वाले हैं रेसिपी जो हम बनाने वाले हैं वो है आज सैंडविच ये मेरे पास दो एग्स ग्रीन चिलीज़ आलू ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखी हुई हैं तो अभी इंशाल्लाह रेसिपी को तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद आपको बताएंगे कि हम आज जो सैंडविच है वो कैसे तैयार करेंगे तो ये मेरे पास है आलू तो आलू को हम मैच कर लेते हैं तो दरदरे से रखेंगे ज़्यादा बारीक नहीं करने। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके तो आपने ये जो वीडियो है शुरू से लेकर एंड तक देखनी है और मुकम्मल देखनी है तो माशाल्लाह अभी आपके सामने ये रेसिपी तैयार करके आपको दिखाएंगे तो आलू तो माशाल्लाह मैच हो चुके हैं तकरीबन तो फिर बाकी मसाला ज़्यादा इसके अंदर ऐड करेंगे तो मैं खास कर अपनी छोटी छोटी बेटियों को ये तकीद करती हूँ कि काम सीखने के लिए ज़रूर इसे देखें और देख कर इसको जहन भी, भी रखा करें क्योंकि मुझे फ़िक्र होता है कि ये छोटी बेटियाँ जो होती हैं ये काम को ज़रूर सीखें ताकि इनके लिए आगे जाकर आसानी हो सके ये अब सीखेंगी तो फिर ही काम सारा सर अंजाम दे सकेंगी तो माशाल्लाह ये मैंने आलुओं को बिल्कुल मैच कर लिया है तो अब इसके अंदर हम जो ऐड करने वाले हैं वो है मसाला जात तो मसाला जात में पहले हम ऐड करेंगे इसके अंदर ज़ीरा ये सब्ज़ मिर्च सॉरी कटी हुई सब्ज़ मर्च ये मैंने ऐड कर दी है ये हाफ़ चम्मच मैंने ज़ीरे का ऐड कर दिया हाफ़ चम्मच गर्म मसाला और ये हाफ़ चम्मच है नमक का अगर ज़रूरत पड़ी तो और ही डालेंगे तो ये काली मिर्च है मेरे पास हाफ़ चम्मच ये ऐड कर दी साबत पीसी हुई नहीं है पीसी भी हम इंशाल्लाह डालेंगे सुरख मर्च एक चम्मच और हाफ़ चम्मच है ये कूटी हुई सुरख मर्च हाफ़ चम्मच हल्दी का और एक चम्मच एक चम्मच जो हम डालने वाले हैं वो है गरम मसाला ये खुश्क धनिया एक चम्मच और ये ग्रीन धनिया कटा हुआ ये भी मैंने ऐड कर दिया धोकर रखा हुआ था तैयार करके माशाल्लाह तो अब इसके अंदर ऐड करने वाले हैं हम काली मर्च कुटी हुई हाफ़ चम्मच कुटी हुई का एक अलहदा मज़ा है और जो साबुत ऐड करते उसका एक अलहदा होता है इनका टेस्ट अलहदा होता है तो माशाल्लाह आप इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो फिर बाकी जो चीज़ें इन शाला दिखाएँगे साथ साथ तैयार करते जाएंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना तो फिर बाकी मेरे पास है दो एग्स ये भी माशाल्लाह मैंने चेक की ये मिर्च बहुत बिल्कुल ठीक है नमक भी बिल्कुल ठीक है अगर आप जिस जिस तरह का पसंद करते हैं उतनी ही है। मिर्च और नमक ऐड कर सकते हैं ये मसाला बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है अब मेरे पास एक शीशे का बॉल है इसके अंदर मैंने दो चम्मच ये बेसन के ऐड करने हैं हाफ़ चम्मच ज़ीरा हाफ चम्मच नमक हाफ चम्मच सुरख मर्च कुटी हुई बरीक पीसी हुई गरम मसाला हाफ़ चम्मच ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और पानी इसके अंदर हाफ कप ऐड कराया ताकि इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया जाए और ये दो मेरे पास एग्ज हैं ये दोनों मैंने इसके अंदर ऐड कर देने तो माशाल्लाह आज हम रेसपी तैयार करेंगे बहुत ही लजीज मज़े की तो आप इसे ज़रूर ब ज़रूर देखें और कमेंट और शेयर भी करें तो माशाल्लाह ये हमारी एक हौसला अफज़ाई के लिए आप शेयर करते और कमेंट करते ये मैंने घर पे ही दही माशाल्लाह लगाया हुआ था तो माशाल्लाह देखो कितना खूबसूरत लजीज़ मज़े का आज हमने जो दही बनाया तो ये चटनी घरी मैंने पहले बना कर तैयार करके रखी थी इसे मिक्स कर रही तो बच्चे बड़े शौक़ से फिर चटनी वगैरह इसके साथ खाते हैं तो ये मैंने जो पीस लिए हुए तो अब ब्रेड तो इसके ऊपर मैंने जो आलू का मिक्सर बनाया हुआ वो लगा दिया है ये मैंने इसके अंदर से कटाई भी कर दी है ताकि आसानी से आप इसे फिर जो बैटर बनाया हुआ हमने अंडे का और बेसन का वो आसानी से लगा सकें तो अब इसके अंदर मैंने ए, डिप कर दिया तो अब ल, गरम जो मैंने किया हुआ आयल तो फिर मैंने इसके अंदर ऐसे ऐड कर दिया तो माशाल्लाह देखो एक मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि उधर से गोल्डन सा हो जाए तो फिर इसकी से साइड जो हम चेंज करेंगे माशाल्लाह एक मिनट के अंदर अंदर ये पक्कर देखो तैयार हो चुका है तो ब्रेड जो हमारा माशाल्लाह ये सैंडविच जो है सॉरी सैंडविच जो हमारे ये तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह तो ऐसे जो सब बाकी हैं सारे सैंडविच इसी तरह हम तैयार कर लेंगे और तैयार करके आपको सारे ही दिखाएंगे इनशा तो माशाल्लाह देखो कितने मज़े के सैंडविच आज हमारे तैयार हो चुके हैं देखो कितना प्यारा मसाला खूबसूरत और लजीज़ मज़े का खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है तो बच्चे तो आज बहुत ही ख़ूबसूरत तरीके से अंदाज से खाएँगे और इंजॉय करेंगे अस्सलाम वालेकुम थैंक्स